दलितों के बेटी बहन का बलात्कार करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केवटी थाना अध्यक्ष शरम करो। रविदास जाति के बेटा को अपहरण करके और उसको लाश को गाड़ दिया गया है और ना ही उसका अभी तक सही से FIR किया गया है, ना ही अपराधी बरामद है, ना लाश बरामद है। 6 महीना प्लस हो गया है और केवटी थाना अध्यक्ष इतना बड़ा घूसखोर और भ्रष्ट है कि मोटा रकम लेकर जो कि शेड्यूल कास्ट का मामला है इसमें SC ST तक नहीं लगाए हैं, ना ही मर्डर केस के कोई धारा लगाए हैं। अच्छा, क्योंकि SC ST में नियम है कि 60 दिन के अंदर आरोप पत्र समर्पित करने का नियम है, ना ही अभी तक लाश बरामद है, ना ही अभी तक अपराधी बरामद है। दलितों के बेटी बहन का बलात्कार करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केवटी थाना अध्यक्ष शरम करो। गोल्डन दादी, क्या मांग है आज आप जो है यहाँ पर आए हुए हैं? केवटी थाना अंतर्गत एक मामला है, वहाँ पे रविदास जाति के बेटा को अपहरण करके और उसको लाश को गाड़ दिया गया है और ना ही उसका अभी तक सही से FIR किया गया है, ना ही अपराधी बरामद है, ना लाश बरामद है। 6 महीना प्लस हो गया है और केवटी थाना अध्यक्ष इतना बड़ा घूसखोर और भ्रष्ट है कि मोटा रकम लेकर जो कि शेड्यूल कास्ट का मामला है इसमें SC ST तक नहीं लगाए हैं, ना ही मर्डर केस के कोई धारा लगाए हैं। मैं यहाँ SSP साहब जल्ला रेड्डी सर हैं, हम उनके पास गुहार लगाने आए हैं, मेरा समस्या को सुन ले और वैसे वैसे थाना अध्यक्ष जो गलती किया उस पर FIR करे और हमको न्याय दे, हम जाने को तैयार। कितने दिन पहले का मामला है सर? 4 महीना प्लस मामला हो गया। अच्छा, क्योंकि SC ST में नियम है कि 60 दिन के अंदर आरोप पत्र समर्पित करने का नियम है, ना ही अभी तक लाश बरामद है, ना ही अभी तक अपराधी बरामद है। इसलिए यहाँ के जल्ला रेड्डी सर के हम नाम सुने कि ईमानदार हैं और दबंग और न्याय प्रिय हैं। जल्ला रेड्डी सर हमारा समस्या को सुने, हमको न्याय दे और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो आपसे शिकायत किससे है सर? शिकायत केवटी थाना अध्यक्ष वहाँ पर जो बैठे हुए हैं बोल दो रहे कि इसमें साफ निकल कि मेरे बेटा को मार के गाड़ दिया गया है और वो क्या कि ना मर्डर केस की धारा लगा है, ना ही SC ST लगाए हैं, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? नहीं, हत्या होती है तो उस पर जो धाराएं हो तो लगती ही है। तो नहीं लगा है भाई, देख लीजिए ना FIR के हम नकल भी लेके आए, देख लीजिए कहाँ लगा हुआ धारा लगा हुआ है, जो कि इसमें साफ लिखा हुआ कि मैं हरिजन समाज से बिलोंग करता हूँ। इसमें साफ लिखा कि फलना जादू मेरा बेटा को मार के गाड़ दिया है। तो अब क्या चाहिए SC ST लगाने के लिए? अभी तो इसमें SC ST क्यों नहीं लगा? वो चमार जाति से आते हैं इसीलिए उनको SC ST नहीं लगाया गया है। जात को देखकर भेदभाव, जात को देखकर छुआछूत, जात को देखकर मर्डर करना, जात को देखकर रेप करना, बिहार में तो सीमा चरण पा रहे भाई, लाखों डाटा हमारे पास है। देखिए गोल्डन जी, कानून तो सबके लिए बराबर है, आप फिर कैसे कह रहे हैं? भाई 302 कौन लगाएगा? लाश छुपा दिया 201 कौन लगाएगा? SC ST 3 का 2 का भी कौन लगाएगा? कोई धारा लगा हुआ है? देखिए क्या मामला है, देख लीजिए ना सामने। अगर हम लोग गलत है तो हमको जेल भेजे SSP साहब, अब अगर सही है तो फिर थाना अध्यक्ष को जेल भेजे ना। पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत FIR करने का प्रावधान है ना। हाँ। तो उन्होंने गलती किया तो उन पर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए धारा 4 के तहत? तो थाना अध्यक्ष पर FIR करिएगा आप। मैं FIR करने आया हूँ और SSP साहब पर मुझे भरोसा है तो हमें न्याय देंगे। अच्छा गोल्डन दास, बहुत अच्छा। गोल्डन दास जी, आप पटना से चलकर दरभंगा आए हुए न्याय के लिए, अभी आपने कहा है कि यहाँ के जो SSP ईमानदार है। हाँ, ईमानदार। तो क्या लगता है कि ये आपको न्याय देंगे, जो पीड़ित परिवार है? SSP साहब को ये मामला अगर संज्ञान में रहता तो न्याय कब के मिल जाता, लेकिन वो भ्रष्ट थाना अध्यक्ष जो चोटा जो घुसखोर थाना अध्यक्ष है वो SSP साहब को उल्टा सीधा झूठ सच कन्विंस कर देता था और माइंड वॉश कर देता था। इसलिए SSP साहब को जिला चलाना अकेले सब जगह संभव नहीं है। थाना क्यों सब जगह खोला गया है? तो कोई झूठ सच जगह यहाँ रिपोर्ट करके बरगला कर SSP साहब को जो झांसा में रखा है, मैं SSP साहब को सच्चाई दिखाने आया हूँ और सबूत लेकर मैं आया हूँ। अगर मेरा सबूत गलत है तो SSP साहब हमको जेल भेजे और अगर मेरा सबूत सही है तभी थाना अध्यक्ष को जेल जाना चाहिए। अच्छा गोल्डन दास, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग का प्लान क्या रहेगा? नहीं मिलने का सवाल ही नहीं भाई, मैं जल्ला रेड्डी सर के आज से नहीं, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो सीनियर SSP साहब हैं, साउथ इंडियन के रहने वाले हैं। तो उनके नीचे जो है इतनी बड़ी जो है लापरवाही हो रही है, हत्या हो जाने के बावजूद भी जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, बाकी आप खुद रहती SP साहब। गोल्डन जी, जो नया नियम जो है पुलिस ने जारी किया उसमें तो कई तरीके से धाराएं बदल भी गई है भाई साहब। नया धारा 1 अगस्त से लागू हुआ है, ये घटना 4 महीना पहले का। नया धारा की बात हो तो नया धारा की बात होगा, तो नया धारा में सर याद कर लिया। तो अभी जिस मुद्दा पर है उस पर सवाल किया जाए, मुद्दा से भटकाया नहीं जाए। DSP सब खड़ा है, आप लोग पूछ लीजिए DSP सब क्या करें। रविदास के लड़का को 4 महीना पहले अपहरण करके और उसको जान मार कर गाड़ दिया था और इसमें साफ लिखा हुआ सर कि मैं एक गरीब हरिजन हूँ, मुदाले जो है ज़्यादा, इसमें सर SC ST लगना चाहिए कि नहीं? जो भी एक आवेदन दे दीजिए, आप यहाँ आके दिए हैं जी, ईमेल के माध्यम से दिए हैं? ईमेल आके भी दिए हैं? आवेदन दिन पर आए हैं सर, ये
हम लोग सर शौक नहीं है, हम लोग के भी कानून पर भरोसा है। जो भी चीज है कानून संबंध विधि संबंध कार्रवाई सर, थाना अध्यक्ष को पनिशमेंट हम निगलेट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत तैयार होना चाहिए कि नहीं सर? एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। 4 महीना पहले का ये घटना है, सिर्फ 363 और 365 धारा लगाए हैं। 302 और 201 कौन लगाएगा? जो कि लाश जब छुपा दिया तो 201 बनता है ना सर? देखिए जब तक कोई भी जैसे लाश जैसे नहीं मिलती है या आदमी नहीं होती है तो अपहरण के सेक्शन में केस, ठीक है, अपहरण अपहरण के सेक्शन होना चाहिए। एससी एसटी तो लगना चाहिए सर, अपहरण के सेक्शन में तो केस है। एससी एसटी कौन लगाएगा? अगर एससी एसटी लगता तो इनको कुछ मुआवजा मिलता ना गरीब आदमी को? देख लेते मतलब इसका परीक्षण हुआ होगा, देख लेते हैं उसमें क्या चल रहा है। थोड़ा देखवा के सर हमको सूचना दीजिए, हमको जानने का अधिकार भी एससी एसटी में क्या क्या अभी तक हुआ है, अब तो रेट हमें कर दिया जाए और इस बिंदु पर सर जाँच कर दीजिए। जो देना है हमको दे दीजिए सर। अभी तक जो है आपकी द्वारा जो है लापरवाही बरती गई है, क्या कहेंगे रिसीविंग का? ये आप रख लीजिए, हमको देख रहे हैं इसको क्या मैटर है, पूरा सच्चाई क्या नहीं है उसको चेकने के बाद में कुछ आ जाएगा जी। बोलिए मामला कब है? फरवरी चाहिए जी, यही है इसमें एक रिसीविंग के लिए कौन किसमें रिसीविंग? ये रिसीविंग को दे दीजिए और ये स्टाफ कर दीजिए, सबूत के रूप में FIR का कॉपी लगाया हुआ सर। यही आज मुखिया सहनी जी के पिताजी की हत्या हुआ, SSP साहब भी यही सब चले गए, इसमें सर क्यों नहीं कोई जा रहा है? इसलिए कि चमार के बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है, असहाय का बच्चा है, क्या इनका जान प्यारा नहीं है? आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है सर? देखिए ऐसी कोई बात, सबको जान का बराबर रक्षा करे प्रशासन। तो मुकेश सहनी के पापा में CBI CDI CID सब चल के उठ होगी, अब इनके बेटा के अथी में SID की टीम गठित नहीं हुआ सर अपराधी को पकड़ने के लिए। आप सर सीनियर पदाधिकारी और DSP साहब खुद समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। थाना अध्यक्ष ग्रामीण SP मैडम क्या जी, ग्रामीण SP साहब का क्षेत्र आता है, लेकिन सर उसे दो सवाल सिर्फ पूछ लीजिए कि SC ST में 60 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रधान कभी क्यों नहीं किया? ठीक है, वो देख लेना परिवेक्षण में क्या हुआ, परिवेक्षण में तो हमको सर लेट कर दिया जाए। आपको दे दे अभी तक जो भी रिसीव नहीं हो पाया है और कब तक कीजिएगा आपके आश्वासन? हाँ चलिए रुको ना जी।